हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, मैं आपके सामने एक नए ट्रेलर के साथ आया हूँ। और ये जो ट्रेलर है बॉलीवुड की नई मूवी का है गाइस, एक ऑसम मूवी का है गाइस। दोस्तों, आपको जरूर पसंद आने वाली है मूवी। मूवी का नाम है गाइस परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण। गाइस, पोखरण की स्टोरी आप सभी भारतीयों को तो जरूर पता होनी चाहिए। गाइस, पोखरण में जिस तरह भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और भारत एक शक्तिशाली शांति प्रिय गाइस परमाणु संपन्न देश बन गया था, इसके बाद बहुत से कंट्री ने भारत पर ये अपोज किया था कि भारत ये परमाणु परीक्षण ना करे या फिर रोक दे। आपको पता है, अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत ये परमाणु परीक्षण कर सके, इसीलिए उसकी जो CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, भारत पे पूरी तरह कड़ी निगरानी रख रही थी। लेकिन भारत ने ये जो परीक्षण किया और अपने आप को एक शक्तिशाली शांति प्रिय गाइस परमाणु संपन्न देश बनाया। सो दोस्तों, मुझे लगता है ये हर एक इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद हर एक भारतीय अपने आप को प्राउड फील करेगा। आपको बता दें, इस मूवी के जो स्टारर हैं गाइस, वो जॉन इब्राहिम जी हैं, डायना पेंटी हैं, बोमन ईरानी हैं, और काफ़ी अच्छा रोल है इनका गाइस इस मूवी में। गाइस, हम इस मूवी का जो है टीज़र पे हमने पहले रिएक्ट किया था, अभी उसका ट्रेलर आया, हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। और मुझे लगता है आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं रिएक्शन से पहले आपको बता रहा हूँ, और मुझे एज अ इंडियन मैं जरूर चाहूँगा कि मैं ये मूवी जरूर देखूँगा इस। सो हम ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद आगे रिएक्ट करेंगे। जो भी एक काम करे उसे ना कोई ऑफिशियल पोस्ट मिले, ना सैलरी, ना मेडल, नथिंग। अमेरिका 1000 से भी ज्यादा एटम बॉम्ब्स टेस्ट कर चुका है। उसके नक्शे कदम पे चाइना 43 टेस्ट कर चुका है और एक के बाद एक अपने एटम बॉम्ब्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट। अमेरिका की लक्रोस सैटेलाइट्स हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं, कुछ नहीं बचता इनसे। मेरा प्लान है इन्हें पूरी तरह से अवॉइड करना। नाइस प्लान। हमारे मिशन का बेस होगा पोखरण 4, और आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बन के जाएंगे। हमें अगले 30 दिनों में यहाँ एक नहीं 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट करने हैं, और वो भी दुनिया से छुपे। गो गो गो। Tell the president, let's stop this. Why don't you get it? A cover has been broken. अमेरिका ने साफ शब्दों में कह की दी है, हम युद्ध नहीं चाहते। अभी कुछ काम से शाम अभी पीछे नहीं हटे। देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं। सो गाइस, इसके जो डायरेक्टर हैं वो अभिषेक शर्मा जी हैं। उन्होंने एक्चुअली लास्ट जो डायलॉग था, हीरो वर्दी से नहीं इरादे से बनते हैं, दैट इज माइंड बॉगलिंग गाइस। मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और इस चीज़ आपको पता है कि ये आप चीज़ें आपको जरूर प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आपको पता चले आपके राहों में कितनी मुश्किल होगा गाइस, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपके लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स आ गए हैं, फिर भी अगर आप नहीं रुकते और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते हैं, तो मुझे लगता है एक ना एक दिन गाइस वो सक्सेस आपको जरूर मिलता है। सो दोस्तों, जो मूवी है परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, ये आपको मुझे लगता है जरूर देखनी चाहिए। एज अ इंडियन जरूर देखनी चाहिए। मैं एज अ इंडियन जरूर देखूंगा ये मूवी को, क्योंकि इस मूवी में गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने मिलेंगी, एज अ इंडियन जानने मिलेगी गाइस। सो ये था मेरा रिएक्शन मूवी को लेकर। कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो गाइस, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।